वेलकम बैक एवरीबडी बैक टू माई चैनल. दिस इज गणेश एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट. ये इंजन ऑयल मैंने डाला था अराउंड 300 किलोमीटर्स पहले और ये एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं इनिशियल इम्प्रेशंस के ऊपर कि ऑयल कैसा परफॉर्म कर रहा है. इट्स बीन अराउंड 300 किलोमीटर्स और इंजन पहले से मैं बोल सकता हूँ कि स्मूथ है. रेव हैप्पी हो गया है थोड़ा इंजन. मतलब मन करता है कि हर बार आप 7K तक लेके जाओ और फिर ही शिफ्ट करो. इतना स्मूथ लग रहा है मुझे. हालांकि नॉट एज स्मूथ एज द ब्यूटीफुल MT15 बट स्टिल चलता है यार. 2000 BS3 इंजन है. 2016 का इंजन है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे. कितना स्मूथनेस एक्सपेक्ट करोगे भाई. तो उसके हिसाब से तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसके पहले मैंने शेल डाल के रखा था. शेल का एडवांस अल्ट्रा और शेल एडवांस अल्ट्रा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था. बट मुझे लग रहा है कि मैंने जो इंजन फ्लश जो मैंने जो यूज़ किया था वो इंजन फ्लश मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया क्योंकि उसने मुझे लगता है कि उसके रेसिड्यूज़ रह गए थे फ्लश करने के बाद भी अंदर और उसने मेरे शेल एडवांस को थोड़ा लूज़ कर दिया. थोड़ा मतलब और थिन कर दिया. तो अगर वो 10W पे था तो ऑलरेडी 10W से शायद 7W या 6W कर दिया उसने. और उसकी वजह से मैंने नोटिस किया था कि क्लच थोड़ा यूज़ करने में परेशानी हो रही थी. बट इस पे कैस्ट्रॉल पे काफ़ी अच्छा चल रहा है वो. तो ये एक हो गया कि क्लच एक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है इसका. काफ़ी अच्छा हो गया. लो एंड टॉर्क नेक्स्ट हमारा पॉइंट है. वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है. लो एंड टॉर्क सिटी में चलाने में अब उतना बोर नहीं होता है बिकॉज लो एंड टॉर्क अच्छा हो गया है. लाइक 20% अच्छा हो गया है. ऐसा नहीं बोलूँगा कि नई गाड़ी बन चुकी है एकदम. बट ऑफ कोर्स आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा. इतना तो फिक्स है. फ्यूल एफिशिएंसी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हुई है या कम हुई है. इनफैक्ट मुझे लगता है थोड़ी कम हुई है क्योंकि इंजन पहले थिनर ऑयल पे चल रहा था और अभी थिनर ऑयल से अभी थोड़ा अभी 10W पे आ चुका है तो अपनी असली माइलेज देगा. भराते हैं पेट्रोल. आज माइलेज टेस्ट भी करते हैं कितना मिल रहा है. समझ में तो आए कम से कम. इंजन का जो टेम्परेचर है वो भी मुझे समर्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है. मतलब मैनेजेबल है बिल्कुल भी. अभी तक तो हीट समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इंजन ऑयल फ़िलहाल नया भी है. मुश्किल से 300 किलोमीटर चलाया मैंने इसको. तो उसके हिसाब से समर के हिसाब से तो भाई हीट बहुत मैनेजेबल है. बट वही है CBR पे आपको हीट नहीं फील होता है मोस्टली. 150 पे तो नहीं होता है. 250 अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो आपको ऑफकोर्स समझ में आएगा 250cc का इंजन है. नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं जो गियर शिफ्टिंग हो गई है इसकी. वो भी काफ़ी स्मूथ हो गई है. पहले ऐसा लगता था जैसे हर गियर फीडबैक नहीं दे रहा है. मतलब डालने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपका लीवर वापस नीचे गिर गया. अच्छे से स्लॉट नहीं हुआ आपका गियर उसके अंदर. तो वो एक जो फीलिंग है वो करंटली इसमें नहीं लग रही है. वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है. देखते हैं कब तक ऐसा अच्छा अच्छा लगता है क्योंकि इंजन ऑयल नया है. जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है. सेम चीज़ वापस हो सकती है कि वही फील होने लगे वापस. हैंडल वाइब्रेशंस भी अभी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को. मतलब रेव हैप्पी हो गई है गाड़ी. बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं इसके बारे में. रेव हैप्पी है. प्यार से चल रही है. माइलेज देख लेते हैं कितना मिल रहा. वो भी क्लियर हो जाएगा. सो डू आई रिकमेंड कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट? ऑफकोर्स अगर आपके पास बजट है. हालांकि 10W तो बहुत सस्ता है उस हिसाब से. मुश्किल से अराउंड कितना 520 का पड़ा था हम लोगों को. 520 में आपको और क्या चाहिए 1 लीटर. मेरे को तो सही लगा प्राइसिंग.